हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोलिता 1997 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल पर बेस्ड है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में कुछ चीज़ें आपको गलत लग सकती है क्योंकि इस मूवी के कैरेक्टर ही गलत है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर हम्बर्ट एक गाड़ी में दिखता है। ये इंजर्ड है और ये चलता जा रहा है। हम्बर्ट फिर उसकी लाइफ की स्टोरी हमें सुनाता है। ये कहता है कि ललिता मेरा प्यार थी, मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदगी थी। ये जो स्टोरी है ये हम्बर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसी वजह से ये जरा ड्यूअल हो सकती है। आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपनी खुद की गलत चीजें भी रोमांटिसाइज कर या कुछ सही तरीके से बताना चाहता है। पर आप जरा ओपन माइंड रखिए कि चीजें किस तरह से एक्चुअल में हुई होगी और फिर इसे एनालाइज करिए। हम्बर्ट का बचपन यानी कि 1921 हमें दिखता है। हम्बर्ट कहता है कि जब मैं छोटा था, सिर्फ 14 साल का, तभी उसे प्यार हो गया था। उसके टाउन में एक लड़की आई थी जिसका नाम एनाबेल था। इसके प्यार में पड़ गया था। इसके बाद इन दोनों की रिलेशनशिप भी हुई थी। एक दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूरा समर इन्होंने एक साथ गुजरा था। बहुत सारी मेमोरीज इन्होंने बनाई, पर एनाबेल को एक बीमारी हो गई जिस वजह से वो मर गई। इसके बाद हम्बर्ट हार्ट ब्रोकन हो गया। हम्बर्ट फिर हमसे कहता है, कभी दूसरी बार मुझे प्यार हुआ ही नहीं। वो हमेशा एनाबेल को ही याद करता रहा। इसके बाद उसके लाइफ का वो एक अलग इंसिडेंट सुनाता है। कहता है कि वह वो प्रोफेसर बन चुका था। उसे और एक अच्छी सी जॉब मिलने वाली थी जहाँ पर वो टीचिंग करने वाला था। हम्बर्ट एक इंग्लिश टीचर था और वो फ्रांस जाकर आया हुआ था, तो उसे उनके कल्चर पर एक बुक लिखनी थी। उसे जॉब को ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम था और ये टाइम वो बुक लिखने में बिताना चाहता था। थोड़ी शांति उसे मिलनी चाहिए, इसलिए एक छोटे से गाँव में उसके अंकल के साथ वो रहना चाहता था। जब उसके अंकल उसे स्टेशन पर लेने के लिए आए और घर लेकर गए तो उनका घर बर्बाद हो चुका था। वहाँ आग लगी थी और सब कुछ तबाह हो गया है। हम्बर्ट को कहीं ना कहीं तो रहना है, तो हम्बर्ट के अंकल उनके फ्रेंड के यहाँ इनका इंतजाम करवा देते हैं। अंकल का फ्रेंड पहले ही मर चुका है और उसकी वाइफ अब वहाँ रहती है। फ्रेंड की वाइफ के पास खाली रूम है तो यहाँ पर हम्बर्ट रह सकता है। फ्रेंड की वाइफ का नाम हेज होता है। जब हम्बर्ट को देखती है तो इंस्टेंटली उससे वो अट्रैक्टेड होती है। हम्बर्ट फ्रांस जा चुका है तो इसे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। हेज फिर हम्बर्ट को उसका रूम दिखाती है। जब हम्बर्ट रूम दिखता है तो उसे जरा भी पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेस होती है। हम्बर्ट फिर अपने प्लान्स इंस्टेंटली चेंज कर लेता है। उसे लगता है कि अब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। हेज भी ये समझ जाती है। हेज फिर कहती है कि चलो नीचे तुम्हें एक मैं जगह दिखाती हूँ, तुम पहले वो देख लो, उसके बाद अपना माइंड तुम मेकअप करना। एक अच्छी सी गार्डन हेज की होती है जो हम्बर्ट को दिखाना चाहती है। नीचे जब वो उसे लेकर जाती है तो हेज की डॉटर हम्बर्ट देखता है। हेज की डॉटर का नाम ही ललिता है, जो हमारी फिल्म का टाइटल है। जब हम्बर्ट ललिता को पहली बार देखता है तो उसे एनाबेल की याद आती है। एनाबेल और हम्बर्ट दोनों 14 ईयर्स के ही थे जब एक दूसरे से उन्होंने प्यार किया था, और ललिता भी 14 ईयर्स की ही है। हम्बर्ट सिर्फ ललिता के पास रहना चाहता है, इसी वजह से रूम लेने का डिसाइड करता है। हमेशा हम्बर्ट काम करते वक्त ललिता को देखता रहता है। उसकी एक डायरी होती है जिसमें वो ललिता के बारे में लिखता है। हम्बर्ट फिर कहता है कि बहुत सारी लड़कियों में से अगर कोई लड़की तुम्हें चूज करनी होगी तो तुम ये सही से कर नहीं पाओगे। तुम अगर बहुत ही इंटेलिजेंट होगे तभी तुम सही लड़की चूज कर पाओगे। और हम्बर्ट कहता है कि मैंने वो चूज की है। ललिता में डेमोनिक क्वालिटीज है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ललिता में जो पावर है ये कोई भी देख नहीं सकता, पर मैंने ये ढूंढ ली है। ललिता का रूम हम्बर्ट के रूम के सामने ही होता है। रात में हम्बर्ट अपनी बुक पर काम कर रहा होता है, उसके टाइपराइटर का आवाज आता है तो ललिता आ जाती है। हम्बर्ट कहता है क्या मेरी वजह से तुम सो नहीं पा रहे, और वो अपनी राइटिंग बंद कर देता है। ललिता कुछ भी बोलती नहीं और नीचे आ जाती है, फ्रिज से आइसक्रीम निकालती है और खाती है। ये सब हम्बर्ट नीचे आकर देख रहा होता है। नेक्स्ट डे हमें देखता है कि हम्बर्ट अपने बुक पर काम कर रहा होता है, तब ललिता उसके पास आती है। वो कहती है कि उसे बहुत ही नींद आ रही है। हम्बर्ट भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ललिता पूछती है क्या तुम सो नहीं पाते। हम्बर्ट कहता है तुम्हें क्या बताओ, मुझे नींद ही नहीं आती। ललिता फिर डायरेक्टली हम्बर्ट के पास आ जाती है और उसके लैप में बैठ जाती है। वो उससे पूछती है क्या मेरे गाल पर पिंपल है। हम्बर्ट कहता है कि नहीं, तुम तो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट हो। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी ललिता की मदर का यानी कि हेज का नीचे से आवाज आ जाता है। ललिता जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे ललिता हम्बर्ट के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, तो कहती है कि प्लीज मॉम को मत बताना, मैंने तुम्हारे सब कुछ वेकेंस खा लिए हैं। यहाँ पर वो हम्बर्ट से फ्लर्ट कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखता है ललिता, हेज और हम्बर्ट ये सब झूला झूल रहे होते हैं। यहाँ पर ललिता हम्बर्ट के पास ही बैठी हुई होती है। हेज शैंपेन पी रही होती है, उसका ग्लास खत्म हो जाता है तो वो चली जाती है। ललिता हम्बर्ट से कहती है कि मेरी मदर तुम्हें लाइक करने लग गई है।
तुम जो भी सब कहोगे वो मान लेगी। ललिता फिर अम्बर्ट को कहती है कि उसे कहो कि हमें लेक पर जाना है। ललिता को वहां जाना आता है इसीलिए उसे मैनिपुलेट करती है। हेज फिर वापस आती है और यहाँ बातों बातों में हमें पता चलता है कि ललिता बहुत ही अच्छा डांस करती है। हम्बर्ट को उसका डांस देखना होता है। ललिता को ज्यादा यहाँ बैठना नहीं होता तो अंदर चली जाती है, म्यूजिक लगाती है और डांस करती है। हम्बर्ट और हेज अब ये दोनों अकेले बैल्कनी में है। हेज को इससे बात करनी है पर हम्बर्ट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो अंदर झांकता है और ललिता जो डांस कर रही होती है यही देखने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लेक पर आए हुए हैं। हेज आज बहुत ही रोमांटिक होती है। वो हम्बर्ट से कहती है कि मेरा एक सपना है कि हम सब एक घर में हमेशा के लिए रहे। हेज को घर के काम का लोड आता है तो इसलिए वो एक मेड भी रखना चाहती है। हम्बर्ट पूछता है कि अगर तुम हमेशा के लिए मेड रहोगी तो वो कहाँ रहेगी। हेज कहती है कि वो ललिता के रूम में रहेगी। हम्बर्ट पूछता है कि ललिता फिर कहाँ जाएगी। हेज कहती है कि जल्द से जल्द मैं उसे समर कैंप भेज दूंगी और उसके बाद मैं उसे बोर्डिंग में डालने वाली हूँ। इसके बाद ललिता हमें डायरेक्टली समर कैंप पर जाती हुई दिखती है। हेज ने ललिता को कहा होता है कि हम्बर्ट भी इसके लिए एग्री करता है। ललिता को बहुत ही हार्ट ब्रोकन महसूस होता है। जब ललिता यहाँ से जा रही होती है तो हम्बर्ट अपनी खिड़की से इसे देखता है। ललिता गाड़ी से उतर जाती है और हम्बर्ट के रूम में आ जाती है, उसे गले लगाती है और किस कर चली जाती है। हम्बर्ट फिर ललिता के रूम में आता है, ललिता के कपड़े हाथ में लेता है और उसकी खुशबू लेता है। हम्बर्ट को फिर एक मेड आकर हेज का लेटर देकर जाती है। इस लेटर में हेज ने हम्बर्ट को प्रपोज किया होता है। लेटर में वो लिखती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम यहाँ से अभी चले जाओ, क्योंकि उसका डील टूट जाएगा अगर वो फिर से हम्बर्ट को इसी घर में देखेगी। अब हम्बर्ट हमसे कहता है उसके 2 वीक्स बाद ही हम दोनों ने शादी कर ली। अगर उसने ये शादी नहीं की तो ललिता को फिर से कभी भी देख नहीं पाएगा। ये ललिता के साथ रहने का उसका एक चांस है, इसी वजह से वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक दिन हेज हम्बर्ट के रूम में आती है तो कुछ लिख रहा होता है। एक ड्रॉवर देखती है जो लॉक्ड होता है। ये हम्बर्ट से पूछती है कि इस ड्रॉवर में क्या है। हम्बर्ट कहता है कि मेरी कुछ सीक्रेट चीजें है। इसके बाद हम्बर्ट हमसे कहता है कि हेज मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर हमेशा मैं उसे इग्नोर करता रहा। घर के पास जाता है और नशे की दवाई लेकर आता है जो हेज के खाने में वो मिला देता है, जिससे हेज जल्दी से सो जाए, यानी कि उसके साथ वो कुछ कर नहीं पाए। एक दिन हम्बर्ट बाहर गया था और जब वो घर पर वापस आया तो हेज रो रही थी। हम्बर्ट का ड्रॉअर उसने ओपन कर लिया था। हम्बर्ट जो भी सब चीजें ललिता के बारे में हेज के बारे में लिखता था ये सब उसमें है। हम्बर्ट ने लिखा था कि हेज एक भैंसी है, इसी वजह से वो रो रही है और हार्ट ब्रोकन है। वो हम्बर्ट को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, कोई भी आदमी ये सब नहीं कर सकता, अब उसे डिवोर्स चाहिए। हेज कहती है कि अगर तुम चाहते हो तुम ये घर भी रख सकते हो पर जल्द से जल्दी मुझे डिवोर्स दे दो। हम्बर्ट को अब क्या करना चाहिए ये कुछ भी समझ में नहीं आता। हम्बर्ट कहता है कि हम कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। हम्बर्ट थोड़े टाइम में ड्रिंक्स बनाता है। जब वो लिविंग रूम में आता है तो उसे कॉल आता है। इस कॉल पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। वो कहता है कि मेरी वाइफ तो घर में ही है। जब वो देखने के लिए जाता है तो हेज वहां नहीं होती। वो बाहर भागते भागते जाता है। हेज के हाथ में लेटर्स थे जो पोस्ट करने वाली थी। हम्बर्ट के बारे में सब कुछ चीजें वो बता देने वाली थी, पर ये करने से पहले ही रास्ता क्रॉस करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। हम्बर्ट को हेज के लेटर मिल जाते हैं और वो जला देता है। हम्बर्ट अब बहुत ही खुश है क्योंकि उसके और ललिता के बीच में सिर्फ हेज थी और वो अब मिट चुकी है। हम्बर्ट फिर ललिता को लेने के लिए समर कैंप आता है। वहाँ की समर कैंप की लेडी उसे कहती है कि ललिता को लेने के लिए चार्ली को मैं भेजती हूँ। चार्ली और ललिता एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड है। ये सुनकर हम्बर्ट को जरा जेलस महसूस होता है। ललिता हम्बर्ट को देखकर बहुत ही खुश है। ललिता अपनी मदर के बारे में हम्बर्ट से पूछती है। ललिता को पता नहीं है कि उसकी मदर मर चुकी है। हम्बर्ट कहता है कि मदर बीमार है, इसी वजह से वो तुम्हें लेने के लिए नहीं आई। गाड़ी में ललिता हम्बर्ट से कहती है कि मैं तुमसे फेथफुल नहीं रही, यानी कि दूसरे लड़कों के साथ उसने बहुत सारी चीजें की है। ललिता कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम्बर्ट कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ललिता बोलती है कि मैं कब से इस गाड़ी में हूँ, तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है। हम्बर्ट फिर गाड़ी रोक लेता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहां से एक पुलिस की कार आ जाती है। यहाँ इस एरिया में एक चोर था जिसको वो ढूंढ रहे हैं। ललिता हम्बर्ट के लैब में बैठी हुई है, ये देखकर पुलिस भी शर्मा जाता है और आगे चला जाता है। हम्बर्ट ने ललिता और उसके लिए एक अच्छा सा होटल बुक किया होता है। वो एक ही रूम बुक करता है जहाँ पर एक ही बेड में ललिता के साथ उसे सोना पड़े। होटल की लॉबी में ललिता एक आदमी को देखती है। इस आदमी के डॉग के पास ललिता जाती है। ये आदमी कहता है कि मेरा डॉग किसी को भी पसंद नहीं करता,
पर तुम उसे अच्छी लगती हो। इसके बाद हम्बर्ट ललिता को उसके रूम में लेकर जाता है। ललिता जब भी देखती है तो पूछती है कि क्या हम दोनों एक ही बेड पर सोने वाले हैं? अगर मदर को पता चला तो हम दोनों को वो मार देगी। हम्बर्ट फिर एक्सक्यूज बनाता है। वो कहता है कि हम उतने रिच नहीं है कि दो अलग अलग रूम ले सके। हम्बर्ट ललिता को बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक ही रूम में है तो उन दोनों में कुछ हो सकता है, पर वह बोल नहीं पा रहा होता तो ललिता ही ये बोल देती है। रात में जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो डिनर टेबल पर ललिता कहती है कि मैं उस आदमी को जानती हूँ, वही आदमी है जिसके डॉग के साथ ललिता पहले खेल रही थी। ललिता कहती है कि एक बहुत ही फेमस राइटर है, इसने बहुत सारे प्लेज लिखे होते हैं। ललिता इस आदमी से अट्रैक्टेड होती है। जब ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं तो हम्बर्ट ललिता के शूज वगैरह निकालता है। ललिता बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि क्या मैंने क्या क्या किया था। हम्बर्ट कहता है कि अब तुम अच्छे से रेस्ट करो, इसके बाद हम तुम्हारी सब कुछ स्टोरी सुनेंगे। हम्बर्ट स्मोक करने के लिए बाहर आ जाता है। यहाँ पर उसे फिर से वो राइटर दिखता है। ये जो राइटर है इसका नाम होता है क्विल्टी। क्विल्टी और हम्बर्ट एक दूसरे से बात करते हैं। जनरल वेदर कैसा है, किस तरह का ये होटल है, इसके बारे में वो बात करते हैं। पर हम्बर्ट को हमेशा लगता है कि क्विल्टी उसकी डॉटर के बारे में ही बात कर रहा है। ये जो आज ललिता के साथ है तो उसे वो जरा डर रहा है। उसका कॉन्शियस उसे कह रहा होता है कि सब लोगों को पता है कि वो ललिता के साथ क्या करने वाला है। हम्बर्ट फिर रात में आकर ललिता के बेड पे ही सो जाता है। जब सुबह होती है तो ललिता उसे किस करने लग जाती है। उसके कान में कुछ बात उसे कहती है। हम्बर्ट सरप्राइज होता है। वो कहता है क्या तुमने ये सब चीजें की कैंप पर? ललिता कहती है कि तुम सरप्राइज हो जाओगे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये ट्रैवल कर रहे हैं। हम्बर्ट हमसे कहता है कि जिस तरह से शिकारी किसी एनिमल का हंट करता है उसे जिस तरह से लगता होगा उसी तरीके से मुझे आज लग रहा है। ललिता कहती है कि एक जगह पर गाड़ी जरा रोक लो, उसे जरा कॉल करना होता है। ये अपनी मदर को कॉल करना चाहती है पर हम्बर्ट उसे कॉल करने नहीं देता। उसे फिर वो सच बता देता है। ललिता रात में बहुत रोती है। वो हम्बर्ट को हेट करती है पर थोड़ी देर में हम्बर्ट के पास आ जाती है। हम्बर्ट कहता है कि उसने मुझे फिर माफ कर दिया था। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उसकी मदर मर चुकी है। हम्बर्ट ललिता के साथ पूरी कंट्री घूमना चाहता था। ये दोनों अब उनकी जर्नी में चल पड़े। अब ये दोनों ट्रैवल करते थे। ललिता हमेशा हम्बर्ट को चिढ़ाती रहती थी, उसे इरिटेट करती थी, पर हम्बर्ट भी ये सब सहन कर लेता था। हम्बर्ट ने ललिता को ड्राइव कैसे करना है ये सब सिखाया। हम्बर्ट कहता है कि मैं बहुत ही खुश था, पूरे आकाश की खुशी मुझे मिल रही थी। मुझे पता था कि जो सब हो रहा है ये सही नहीं है, पर इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी ललिता को अपनी मदर की याद आती थी तो वो बहुत रोती थी। हम्बर्ट की छुट्टी अब खत्म हो चुकी है। जहाँ पर उसे जॉब करना है वह उसे जाना होता है। जहाँ पर उसे जॉब करना होता है उस सिटी में वो ललिता के साथ मूव हो जाता है। ललिता को भी एक स्कूल में वहाँ एडमिशन लेकर देता है। ललिता की स्कूल बहुत ही ओपन माइंडेड है। ललिता को भी ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो स्कूल उसे सपोर्ट करती है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं और इनका रूटीन अच्छे से चल रहा होता है। स्कूल में एक प्ले होने वाला है जिसका पार्ट ललिता को बनना है, पर हम्बर्ट को लगता है कि ललिता अगर दूसरे लड़कों से मिलेगी तो उसके साथ उसका चक्कर हो सकता है। इसी वजह से वो इनसिक्योर है और ललिता को मना करता है। ललिता मानने वालों में से नहीं है। ललिता हम्बर्ट के पास जाती है और उसे रिझाती है और उसे वो मना ही लेती है। हम्बर्ट ललिता को थोड़े से पैसे देता है कि वो अपने आप पर वो खर्च कर सके। ललिता ये पैसे भी जरा बढ़ा लेती है। एक दिन ललिता की टीचर ललिता के बारे में बात करने के लिए हम्बर्ट को बुलाते हैं। वो ललिता को लेकर जरा चिंतित है। हम्बर्ट पूछता है कि किस वजह की तुम्हें चिंता है। हम्बर्ट थोड़ा सा डरने लग जाता है। उसे शक आता है कि ललिता ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा, पर ये इसके बारे में नहीं होता। ललिता के टीचर कहते हैं कि ललिता जब सेक्स एजुकेशन का टॉपिक आता है तो उसमें बहुत ही डिसइंटरेस्टेड है। हम्बर्ट थोड़ा सा हंसता है पर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। हम्बर्ट कहता है कि मैं इसके बारे में उसे समझाऊंगा। एक दिन हम्बर्ट को पियानो टीचर का कॉल आता है। ललिता एक्चुअल में उसके पियानो के क्लासेस कर ही नहीं रही है। हम्बर्ट फिर ललिता को पूछता है तुम्हारे क्लासेस कैसे चल रहे हैं। ललिता कहती है एकदम मस्त चल रहे हैं। हम्बर्ट कहता है कि तुमने दो क्लासेस मिस की है, तुम कहाँ थी? ललिता कहती है कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ थी, वो प्ले की तैयारी कर रही थी। हम्बर्ट इस पर बिलीव नहीं करता, ललिता से उसकी फ्रेंड का नंबर लेता है। ललिता ने जो कहा था उसकी फ्रेंड भी वही कहती है। ललिता फिर गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। हम्बर्ट उसे सिटी में बहुत ढूंढता है। ललिता एक कैफे में होती है। ललिता फिर उसे कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है। वो हम्बर्ट के साथ सब कंट्री घूमना चाहती है, पर इस बार ललिता लोकेशन चूज करेगी। हम्बर्ट को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगता था कि ललिता उससे दूर जाना चाहती है। ये दोनों फिर अपने सफर में निकल पड़ते हैं। ये अलग अलग टाउन घूमते हैं, पर एक दिन हम्बर्ट नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है।
ये ललिता को एक नोटबुक निकालने के लिए कहता है और उस पर नंबर नोट कर लेता है। ललिता हमेशा चिंगम खाती रहती है तो हम्बर्ट कहता है कि इस पर चिंगम मत लगाना। एक दिन हम्बर्ट गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है तो ललिता किसी से बात कर रही होती है। ये वही आदमी है जो इनका पीछा कर रहा था। हम्बर्ट जल्दी से भागते भागते ललिता के पास जाता है पर तब तक वो आदमी वहां से निकल चुका है। हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि आदमी क्या पूछ रहा था। ललिता कहती है कि वो आदमी सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था। हम्बर्ट भी ललिता को समझाता है कि तुम यंग हो और लोग तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहते हैं, तुम्हें किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। अब फिर से थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ये जंगल से जा रहे हैं और फिर से हम्बर्ट को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। हम्बर्ट एक जगह पर गाड़ी रोक लेता है। उनके पीछे भी जो उसका पीछा कर रही थी ये गाड़ी भी रुक जाती है। हम्बर्ट गाड़ी से बाहर निकलता है और उस गाड़ी के सामने चलने लग जाता है। जो उनका पीछा कर रहा था वो जल्दी से गाड़ी रिवर्स में लेता है और वहां से भाग जाता है। आगे चलकर हम्बर्ट फिर से ललिता को कहता है कि उसे वो कागज दे जिस पर उसने नंबर प्लेट लिखी हुई थी, पर ललिता ने इस पर चिंगम चिटका दिया था। गाड़ी का नंबर इस कागज पर नहीं है। हम्बर्ट बहुत ही चिढ़ जाता है और ललिता को स्लैप करता है। ललिता रोते रोते गाड़ी से बाहर निकल जाती है। ये उस पर बहुत नाराज है पर हम्बर्ट उसके पास आता है और उसे सॉरी कहता है। एक टाउन में हम्बर्ट और ललिता एक मोटेल में रुकती है। हम्बर्ट कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तो ललिता को पैर देखता है, ये जरा डर्टी होते हैं। तो हम्बर्ट कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहीं बाहर जाकर आए हो। ललिता इस पर कुछ ही बोलती नहीं, ये सब वो डिनाई कर देती है। हम्बर्ट ललिता को जो भी सब पैसे देता था ये सब वो सेव कर कर रखती थी। हम्बर्ट उससे पूछता है कि ये सब पैसे तुम क्यों सेव कर रही हो, पर ललिता इस पर कुछ भी बोलती नहीं। इन पैसों को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। हम्बर्ट को लगता है कि ललिता उसे छोड़कर भाग जाना चाहती है, इसके उसे रात में बुरे सपने भी आते हैं। फिर से ट्रैवल करने लग जाते हैं पर ललिता की तबीयत जरा खराब हो जाती है, ये जरा वायरल इन्फेक्शन है तो ललिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। रात भर ललिता को यही रुकना पड़ेगा तो डॉक्टर हम्बर्ट को कहते हैं कि तुम अब घर चले जाओ, तुम यहाँ रुके भी तो तुम उससे मिल नहीं पाओगे क्योंकि वो बीमारी तुम्हें भी हो सकती है। हम्बर्ट अगली सुबह फिर से हॉस्पिटल में कॉल करता है, ललिता कैसी है ये वो पूछता है। वहां की नर्स कहती है कि उसके अंकल आए थे और उसे लेकर चले गए। हम्बर्ट बहुत ही डर जाता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम्बर्ट फिगर आउट करता है कि उनका जो पीछा कर रहा था वही ललिता को लेकर चला गया है। भागते भागते वो हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर को मारने लग जाता है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल ने मिलकर ये चाल चली है। हम्बर्ट फिर ललिता को ढूंढने लग जाता है, अलग अलग शहर में हो जाता है, अलग अलग मोटेल चेक करता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते वक्त जो आदमी ललिता को लेकर गया था उसने अपना नाम और अपनी साइन दी थी तो अब हम्बर्ट को उसकी हैंडराइटिंग पता है। हम्बर्ट अलग अलग सिटीज में जाकर वो उसकी हैंडराइटिंग ढूंढता है, मॉडल के रिकॉर्ड चेक करता है। उसे हमेशा से पता चल जाता है कि इस मॉडल में ललिता और वो आदमी रुके थे। हम्बर्ट हमसे कहता है कि ललिता को ढूंढने के लिए उसने पूरे 2 महीने लगाए पर फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाया। अब इसके बाद डायरेक्टली 3 साल गुजर जाते हैं। हम्बर्ट को एक दिन ललिता का लेटर मिलता है। इस लेटर में ललिता लिखती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और उसे बेबी होने वाला है। ललिता को कुछ पैसों की जरूरत है जो वो मांग रही होती है, उसका एड्रेस भी उसने लिखा होता है। हम्बर्ट अब ललिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने साथ एक गन भी लेता है, टारगेट प्रैक्टिस करता है। जो ललिता को उससे जुदा कर लेकर गया था उसे उसे बदला लेना है। फाइनली वो ललिता के पास पहुंच जाता है। हम्बर्ट ललिता के हस्बैंड को देखता है, ये वो आदमी नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था। हम्बर्ट उससे बात नहीं करना चाहता। हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि वो कौन था। ललिता कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं है। ललिता जिसके साथ गई थी वो क्विल्टी था, ये वही राइटर है जो पहली बार मोटेल में इन्हें मिला था, जिसके कुत्ते के साथ ललिता खेल रही थी। ललिता इस आदमी से अट्रैक्टेड हो गई थी, इसी वजह से उसके साथ वो चली गई थी। ललिता फिर कहती है कि वो बूढ़ा आदमी था, वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं था पर उसे छोटी लड़कियों की फिल्म बनाना अच्छा लगता था। वो मुझसे भी वही काम करवाना चाहता था इसलिए मैं वहां से भाग गई। इसके बाद वो दूसरे लड़के से मिली और उससे उसने शादी कर ली। हम्बर्ट फिर ललिता को कहता है, तुम्हें जो पैसे मैं देने वाला हूँ ये तो तुम्हें मिलने ही वाले हैं, पर इससे पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या तुम फिर से मेरे साथ रहना चाहती हो? अगर ललिता उसके साथ रहेगी तो उसे सब कुछ देना चाहता है, उसके बहुत ही प्यार में है, ये वो ललिता से कहता है। ललिता बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ललिता को सिर्फ $1,000 चाहिए थे पर हम्बर्ट उसे $4,000 दे देता है। हम्बर्ट हमसे कहता है कि ललिता कैसे भी हो अगर वो मुरझा भी जाए फिर भी उससे हमेशा प्यार करता रहूंगा, कभी भी वो उसे भुला नहीं पाएगा। हम्बर्ट फिर से हमें गाड़ी में दिखता है और वो इंजर्ड हो चुका है। हम्बर्ट हमसे कहता है कि ललिता के साथ मैंने जो भी सब किया
वो सब चीजों को मैं रिग्रेट करता हूँ। ये सब करने के लिए वो शर्मिंदा है, पर लास्ट टाइम ललिता को मिलने के बाद उसने जो किया वो उसे रिग्रेट नहीं करता। इसके बाद वो डायरेक्टली क्विल्टी जो राइटर था उसके पास पहुंच गया। क्विल्टी पर उसने गन लगाई और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्विल्टी उसे पहले पहचान नहीं पाया। उसने कहा कि तुम वही हो ना स्टेप फादर। क्विल्टी इसे सीरियसली नहीं ले रहा था, अपना ड्रिंक ले रहा था, सिगरेट पी रहा था। फिर हम्बर्ड ने एग्जामिन पर गोली चलाई। क्विल्टी फिर डर गया। क्विल्टी बोला कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं वैसे भी कुछ लड़कियों के साथ कर नहीं सकता। हम्बर्ड उसे मार सकता है तो क्विल्टी उस पर झपक पड़ता है। हम्बर्ड फिर से कंट्रोल में आ जाता है। क्विल्टी कहता है कि तुम भी इतने सीधे नहीं हो, तुमने भी उसके साथ गलत ही चीजें की थी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम परफेक्ट होते तो मेरे साथ आती? ये दोनों फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं और हम्बर्ड क्विल्टी को मार देता है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि गाड़ी में वो इंजर्ड है, पर ये खून क्विल्टी का था। उसका पीछा आप पुलिस कर रहे हैं। आगे चलकर वो गाड़ी ठोक देता है और एक माउंटेन के पास आता है। यहाँ पर एक गांव है जहाँ बच्चे खेलने की आवाज आती है। हम्बर्ड हमसे कहता है कि मुझे बच्चों की आवाज है, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। उस आवाज में ललिता का आवाज नहीं है, ललिता अब उसके साथ नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हम्बर्ड को पुलिस ने पकड़ लिया था जब वो प्रिजन में था, तब उसे एक बीमारी हो गई और 16 नवंबर 1950 में वो वही मर गया। ललिता प्रेग्नेंट थी पर उसकी एज कम है, तो उसी साल क्रिसमस में 1950 में वो चाइल्ड को बर्थ देते देते मर गए। यही मूवी एंड हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में यानी कि हम्बर्ड के बारे में बात करें तो ये सब मूवी हम्बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपने फ्लॉज किसी को भी नहीं बताता। इसी तरीके से जब ये स्टोरी चल रही थी तब मूवी में हमें दिखता है कि ललिता उसे फ्लर्ट कर रही थी, पर ये क्या सचमुच में हुआ था ये हमें जानने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर हम इसे ऑब्जेक्टिवली देखें तो ललिता की मदर मर गई थी, ललिता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसे हम्बर्ड के साथ रहना पड़ा। एक तरह की ललिता की किडनैपिंग ही उसने की थी। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।